में जहां आए दिन नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं, तो वहीं श्रावस्ती जनपद में भी एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के दो युवकों ने दोस्तों के साथ मिलकर कई दिनों तक गैंगरेप किया। पीड़िता के माता पिता ने अपनी बच्ची को साथ लेकर गिलोला थाने पर सूचना देनी चाही तो पुलिस ने उन्हें धक्के मार कर वहां से भगा दिया। लड़की ने किसी प्रकार से जब अपने परिवार से संपर्क किया तब गोंडा जनपद की लड़की को बरामद किया गया। पुलिस मामले को दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मामला जनपद श्रावस्ती के गिलोला के मोहम्मदी गांव का, जहां पर कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की को उसके ही गांव के दो युवक बहला फुटा कर घर से बाहर ले गए, जहां पर उसका अपहरण कर गोंडा जनपद ले गए, जहां पर गांव के दो लोगों समेत कई लोगों ने कई दिन तक लड़की का बलात्कार किया। किसी प्रकार से लड़की ने फोन पाकर अपने घर पर संपर्क किया, जिस पर पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की सूचना पाकर युवकों ने इसको जान से मारने का प्लान बनाया, लेकिन अंत में लड़की को सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गए। 29/5 रात 11 बजे की 12 या 11 बजे के बीच में लड़की को लेकर चले गए। मैं सुबह सूचना दी गिलोला थाने पे, गिलोला थाने की पुलिस कोई कार्रवाई मेरी आवाज़ को नहीं कन्फर्म लिया। मैं बार बार दौड़ता रह गया, फिर पुलिस भी मुझे भी डांटते रह गया कि तुम लोग पता लगाओ कहाँ पे है, फिर मैं आगे चलूँगा। तो मैं पता लगाने के लायक होते तो मैं पुलिस के शरण में क्यों जाता। पुलिस मुझे डराती और धमकाती रही तब तक कि 15 तारीख को मेरी बिटिया ने थाने से फ़ोन किया कि पापा मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ से पुलिस लेकर गिलोला की पुलिस लेकर गया, फिर वहाँ गोंडा थाने पर, फिर वहाँ से पुलिस लेकर आई, एक हफ्ते अपने थाने पर रखा। उसके बाद मेरी बेटी से वहाँ से उल्टा सीध बयान कराने की कोशिश कर रही थी फिर, लेकिन लड़की मेरी इतनी सच्ची थी कि वो बयान गलत नहीं दी। उसके साथ 5 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया है सर, क्या पुलिस ने कार्रवाई किया है और क्या अभी तक 5 लोगों की जो आरोप लगाया गया है उनकी गिरफ्तारी हो पाई है? एक महापुर थाना गिडौला पर झमडा गांव के व्यक्ति ने आकर सूचना दी थी कि उनकी लड़की का अपहरण 100 लोगों के द्वारा कर लिया गया है। उन्होंने 2 लोगों को नामजद भी किया था। इस संबंध में 363/66 का मुकदमा लिखा गया था। संबंधित अभियोग की विवेचना के दौरान पता की बरामदगी की गई है। पता अब सकुशल वापस आ गई अपने घर पर। उसका 164 का बयान कराया गया है। 164 के बयान में उसने बताया है कि उसको यहाँ से ले जाया गया तो कुछ लोगों ने उसके साथ संबंध बनाए और उस जबरन संबंध बनाए। इस संबंध में धारा 376 की वृद्धि इस अभियोग में कर दी गई और जो संबंधित जिनके नाम दिए गए हैं टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ददन सिंह की रिपोर्ट, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया, जहां पर सौतेले भाई ही हत्यारे निकले। आपको बता दें कि मामला श्रावस्ती का, जहां पर थाना मल्लीपुर के ग्राम मनवरिया भोज निवासी इश्तियाक कुंभ करीबन 12 वर्ष का सौभाग में सुनसान स्थान पर मिला था, जिसकी सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे व क्षेत्राधिकारी जमुना हौसला प्रसाद मैं ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य आकलन कर मल्लीपुर पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तहरीर के आधार पर थाना मल्लीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 134/19 धारा 302 और 201 में अभियोग पंजीकृत हुआ। जो घटना के बाद अपराधी फरार चल रहे थे वो राष्ट्र नेपाल भाग जाने के फिराक में थे। वही गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान पारिवारिक रंजिश के कारण गला दबाकर हत्या की बात स्वीकार की गई है। वहाँ पर परसों एक 12 साल के लड़के इश्तियाक की बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा उसकी माँ से तरी लेकर मुकदमा लिखा गया। उसकी माँ ने अपने सौतेले बेटों पर शक जाहिर किया था। उसके दो सौतेले बेटे हैं, हमजा और अच्छा है। ये दोनों अभी गुजरात में काम करते थे, अभी 15 दिन पहले ही गुजरात से लौट कर के आए हैं। उनकी माँ का कहना था कि घर में कुछ आपसी विवाद संपत्ति को लेकर के कुछ आपस में खास नहीं हुई थी, जिसके बाद इन दोनों लड़कों ने घर में किसी की हत्या करने की धमकी दी थी। उसके बाद आज पुलिस ने इन दोनों जो हत्या और अभियुक्त हैं इन दोनों को गिरफ्तार किया। अच्छा नाम है, इन दोनों से बात करी। इन दोनों ने बताया कि आपस में इनका संपत्ति को लेकर विवाद था और सौतेली माँ का सौतेले व्यवहार से लोग बहुत दिन से परेशान थे। इसी की रंजिश रखते हुए उन्होंने 2 दिन पहले सतुली माँ के बेटे इश्तियाक को घर से कबाब ले जाने के बहाने ले जाकर गला घोट कर हत्या कर दी। इन दोनों की शिकायतों के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ददन सिंह की रिपोर्ट, श्रावस्ती।
फिरोजाबाद जिले की टुंडा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पछोखरा में उपचुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल कर प्रत्याशियों ने अपना दमदम दिखाने के लिए तोड़फोड़ किया। टुंडा तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत पछोखरा में ग्राम प्रधान की मौत के बाद सदस्य को प्रधान के रूप में निर्वाचित किया गया था। उपचुनाव को लेकर बुधवार को खंड विकास कार्यालय टुंडला में इन प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उपचुनाव के नामांकन में पुलिस की कड़ी सुरक्षा देखने को मिली, तो नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने रोड शो निकाल कर अपना दमखम दिखाया और ग्रामीण जनता से वोटों की अपील की। 6 जुलाई को पछोखरा में ग्राम पंचायत के लिए वोट डाले जाएंगे। देखना यह होगा कि जब तक ग्राम पंचायत उपचुनाव में किसको जीत का ताज पहनाती है और किसको हार का मुंह दिखाती है, ये तो वक्त बताएगा। टीवी इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। लखनऊ महानगर स्थित पीटू पिंक पैंथर में डिनमस डिजायर संस्था द्वारा अरुण नदा सीजन 4 की ऑडिशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया। ऑडिशन आयोजक व डायरेक्टर सानली श्रीवास्तव ने बताया कि ऑडिशन के मुख्य अतिथि राहुल गुप्ता जी रहे। जजेस की भूमिका में शिवामणि सासा, आर्यन गुप्ता, रामजी मिश्रा रहता तथा जूरी हेड ओमदीप मोतियानी एवं मंत्रीज पांडे रहे। सानली श्रीवास्तव का सम्मान करते हुए ऑडिशन की एंकरिंग लखनऊ की मशहूर एंकर मिस प्रख्याति श्रीवास्तव ने की। ऑडिशन में लगभग 100 बच्चों ने लखनऊ के आसपास से जनपदों से आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रिंस सिंह, मोहम्मद शाह, रानू आदि लोग मौजूद रहे। मैम, आज का जो प्रोग्राम था, इसका उद्देश्य क्या था? सर, वी आर गैदर्ड हियर फॉर सेलिब्रेटिंग द ऑडिशंस ऑफ मिसेस एंड मिस्टर डेनमस डिजायर 2019। और इसका उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना सा है कि जितने बच्चे लखनऊ में हैं अच्छे परफॉर्मर और जो फर्स्ट टाइम स्टेज पर आ रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं, जो शो करना चाहते हैं, जिन्हें मौका नहीं मिलता, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डेनमस डिजायर की तरफ से मौका मिले स्टेज पे आने का। कितने लोगों ने आज प्रतिभाग लिया? सर, अराउंड जो 65 लोगों ने परफॉर्म अभी तक कर चुके हैं, वो अभी आ ही रहे हैं फॉर्म्स, तो अभी क्योंकि बाकी है ऑडिशंस तो चल ही रहे हैं। लखनऊ में के लोग थे, लखनऊ से बाहर के लोग भी थे? लखनऊ के बाहर से भी हमारे पास आए हैं पार्टिसिपेंट्स, कानपुर से आए हैं, लखीमपुर से आए हैं। इसका फाइनल 7 जुलाई को होगा। ट्यूबन इंडिया न्यूज के लिए भास्कर सारस्वत की रिपोर्ट, लखनऊ। सोनभद्र में दुद्दी कोतवाली के क्षेत्र झाड़ूकला गांव में कटौंदी गांव में रेलवे गेट के समीप सुबह ग्रामीणों ने पानी की किल्लत को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पिछले 2 दिन पेपोर्ट दुद्धी आश्रम मार्ग पर शाम के समय हड़ताल किया गया था, जिसमें कोतवाली पुलिस ने आश्वासन देकर जाम को हटवाया था, लेकिन पानी की समस्या से निजात नहीं मिलने पर आज सुबह ही दरकार बस्ती के लोग दोबारा दुद्धी आश्रम को मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद ग्राम प्रधान रामराज कौर ने पानी टैंकर को भिजवाया और ग्रामीणों ने गंदा पानी देखकर विरोध जताया, जिसके बाद प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह ने तत्काल दूसरे टैंकर से भिजवाया और जाम हटाने को लेकर समझाया गया। टीवी इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सोनभद्र। कोतवाली बिस्वा के अंतर्गत कस्बे के मोहल्ला शंकरगंज में एक युवक ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का असफल प्रयास किया। लड़की के चीखने चिल्लाने पर मोहल्ले वालों ने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कल बुधवार दोपहर करीब 12 बजे कस्बा क्षेत्र के मोहल्ला शंकरगंज में एक नाबालिग 11 वर्षीय बच्ची के साथ मोहल्ला महाराजागंज निवासी रियाज 16 वर्ष पुत्र मुन्ने, जो कि रिश्ते में जीजा लगता था, पैसे का लालच देकर बहला फुसला कर एक खाली पड़े मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। लड़की के विरोध करने पर मारने की धमकी भी दिया। कुछ लोगों ने देखकर लड़के को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़के को थाने ले जाकर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। मोहल्ले महाराजा गंज 11 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का एक व्यक्ति द्वारा प्रयास किया गया। मोहल्ले वालों ने उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया और थाने की पुलिस को सुपुर्द किया। थाना विश्वा में इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है और विवेचना से जो भी तथ्य होगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतुल त्रिवेदी की रिपोर्ट, सीतापुर। गोंडा जनपद की तरबगंज विकास खंड के वजीरगंज में तरबगंज से नवाबगंज मार्ग पर दुर्जनपुर बाजार से पुलटी के नीचे प्रारंभ सड़क पर भी मानसून के पानी बरसने की शुरुआत ही हुई है कि दुर्जनपुर बाजार में जलभराव की समस्या सर चढ़कर बोलने लगी।
मानसून के दौरे में उत्पन्न होने वाले हालातों को लेकर लोग चिंतित हो उठे। यह घटना किसी घर द्वार की नहीं बल्कि हर सड़क की जो हाईवे है, यहाँ पर हालत यह है कि दर्शनगंज से दुर्जनपुर बाजार होते हुए नवाबगंज हाईवे की बात है। यहाँ पर दुर्जनपुर बाजार में पुल से ठीक नीचे प्रारंभ मार्ग पर RCC सड़क पर, जिसका निर्माण अभी जल्दी बड़े विश्वास के साथ किया गया था, लेकिन अब सड़क पर जल भराव नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका दृश्य पहले ही बरसात में कुछ इस प्रकार है, जिसके चलते इस सड़क पर पैदल साइकिल सवार ही नहीं बल्कि मोटरसाइकिल से भी अब गिरना एक आम बात हो गई है। इंजीनियर की बुद्धिमत्ता को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण कार्य तो बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया, पर बाजार व सड़क के बरसात के पानी का कोई निकास नहीं बनाया गया, जिसके चलते अब थोड़ी ही वर्षा होने पर प्रतिदिन बाजार सहित हजारों यात्रियों को इस हालत का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द सड़क के गड्ढे व जल भराव का कोई उपाय नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट, गोंडा, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के GT रोड पर बस ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ। जहां पर आपको बता दें कि मामला फतेहपुर के मलवा कस्बे के पास सेठ हेमाद जयपुरिया बेटा रोड महाविद्यालय की बस का है। यहां पर ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी ओवरटेक करते समय ये हादसा हुआ है। मैं उस समय बस में 8 बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के सवार थे, जिनमें कई बच्चों के चोटिल होने की सूचना भी प्राप्त हुई, जिसके चलते थाना अध्यक्ष मालवा ने ट्रक और स्कूल बस को पकड़ कर अपने कब्जे में ले लिया। उधर से अभी गाड़ी से मार दी ब्रेक, ब्रेक मारते ही हम स्पीड में हम भी थे, इतनी स्पीड में नहीं थे, ब्रेक फिर भी ली। कितने स्पीड में थे आप? हम हो गए करीब 45-50 स्पीड में, बस ब्रेक लेते लेते इसने कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, हाल इसने यूटर्न ले दिया, यूटर्न लेते ही आगे गाड़ी आई, इसने ब्रेक मार दी, हमारी गाड़ी ब्रेक नहीं लग पाई जब तक गाड़ी आ रही। कितने समय घटना है? समय है 7:30-8 बजे का। अच्छा, क्या नाम है आपका? सरविंदर कुमार। क्या है गाड़ी? गाड़ी क्या है? आयसर है, 14-12 टायर। कौन है गाड़ी, परिचालक या चालक? चालक। काफ़ी दूर से हमने भी कर दिया, हाथ भी निकाल दिया। इसके बाद हमने जैसे टर्न मारा तो आगे साइड से दूसरी रोड से गाड़ी आई, हमने ब्रेक ली, पीछे से इनकी गाड़ी हमारे में चल। कितने बच्चे थे? 8। ये कितनी समय की घटना है? 7:30 लमसम। कहाँ जा रहे थे? स्कूल। कितना कोई बच्चा घायल है अभी तक? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार श्रीवास्तव। क्या हैं आप? ड्राइवर। TV1 इंडिया न्यूज के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। रायबरेली की तहसील व कोतवाली लालगंज के अंतर्गत ट्रक की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। तहसील व कोतवाली लालगंज से रायबरेली हाईवे पर लाला ढाबा के पास से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने एक युवक को तेज बहादुर पुत्र राम शंकर निवासी संडासी उम्र करीबन 22 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से मौके पर ही गिर गया। आसपास के लोगों ने तत्काल नजदीकी कोतवाली लालगंज को सूचना दी। लालगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिवारजनों को सूचना दी गई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद साकिब के साथ राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, लालगंज, रायबरेली। जालौन के जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने बुधवार को अचानक आला अधिकारियों व जिला न्यायाधीश के साथ मिलकर जिला जेल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जेल के अंदर कैदियों की समस्याएं भी सुनी। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान व जिला न्यायाधीश अनिल कुमार के साथ मिलकर जिला जेल का निरीक्षण किया गया, साथ ही में आला अधिकारी भी मौजूद रहे। महिला बैरक में कूलर की भी व्यवस्था की गई, जेल के अंदर पानी की व्यवस्था कराई गई, साथ ही साथ कैदियों की समस्या भी उनसे पूछी गई। उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, जेल के अंदर देखा गया कि कोई भी अवैध काम तो नहीं हो रहा। जिलाधिकारी के साथ साथ जिला न्यायाधीश, अपर पुलिस अधीक्षक, CMO व कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो कुछ नहीं मिली, बेसिकली हम लोगों ने देखा कि क्या जितने हमारे यहाँ पे कैदी हैं उनको सारी सुविधाएं हैं या नहीं है जो मिलनी चाहिए। कोई ऐसा अवैध काम तो जेल में नहीं हो रहा, और जिन कैदियों के पास वकील नहीं है उनको हम लोगों ने वकील अपॉइंट कराए हैं उनके लिए, और साथ ही साथ उनके जो समस्याएं और दिक्कतें उनको भी हमने सुना है, और फिलहाल हमें कोई भी इस प्रकार का अवैध काम नहीं है।
से भीषण गर्मी पड़ी है और जेल के अंदर किस तरह की व्यवस्था है? जेल के अंदर देखिए, हम लोगों ने कोशिश किया कि पंखे सब जगह हो और पानी की व्यवस्था रहे, साथ ही साथ कुछ जगहों पे जैसे महिला बैरक के सामने हमने कूलर्स भी लगवाए हैं, और साथ ही हम लोग जहाँ पे जैसे अस्पताल है वहाँ पे भी हमने कूलर की व्यवस्था की हुई है। तो जहाँ हम जिस जो व्यवस्था कर सकते हैं हमने मैक्सिमम गर्मी को देखते हुए। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन।